अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी आर टी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद इसाक है। किंगडम वैली मेम्ब्रान के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर आपको बताता चलूंगा जो सेकंड बैलेटिंग आ रही है 14 अगस्त को, उसमें आप कितनी परसेंट अमाउंट जमा करवा के बैलेटिंग में प्लॉट नंबर ले सकते हैं या बैलेटिंग के अंदर शामिल हो सकते हैं। इसके ऊपर बात होगी, लेटेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर बात होगी, एनओसी और मजीद चीज़ों के ऊपर बात होने जा रही है। वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है, इसके अलावा सब्सक्राइब कर दे चैनल। नाजीन, अगर बात करूं बैलेटिंग की, तो 14 अगस्त 2024 को सेकंड बैलेट होना जा रहा है किंगडम वैली की तरफ से, और उसके अंदर कुछ प्लॉट को पोजेशन भी मिलेगा और कुछ प्लॉट्स को प्लॉट नंबर मिलेंगे। अब जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है वो 75% के ऊपर रखा है कि अगर आपकी 75% पेमेंट कम्प्लीट है कॉस्ट ऑफ लैंड की, तो आप नेक्स्ट आने वाली जो बैलेटिंग है, सेकेंड बैलेटिंग का नाम ये 14 अगस्त को होने जा रही है, तो उसमें आप अपना प्लॉट नंबर ले सकते हैं या आप इसके अंदर एलिजिबल हो सकते हैं। अगर आपके पास जनरल ब्लॉक या एग्जेक्टिव ब्लॉक की कोई भी फाइल मौजूद है, जैसे 5 मरला 7 10 मरला कनाल की, तो आप इसकी 75% अमाउंट कंप्लीट करवा लें और नेक्स्ट आने वाली बैलेटिंग के अंदर आप शामिल हो जाएं। अब अगर आप तो इसके अंदर किसी किस्म की इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई, तो आप इसके अंदर इंस्टॉलमेंट भी जमा करवा सकते हैं। KDF के थ्रू हम आपको इंशाल्लाह डिस्काउंट देंगे। इसके अंदर 3 किस्म के डिस्काउंट्स हैं। अगर आपका जनरल ब्लॉक के अंदर प्लॉट है, तो मतलब आप इसके अंदर 3 कैटेगरीज लगा सकते हैं, ओल्ड KDF, न्यू KDF और मर्जिंग। मर्जिंग की अलग लिमिट है, न्यू KDF की अलग है, ओल्ड KDF की अलग लिमिट्स है। मुख्तलिफ लिमिट के ऊपर मुख्तलिफ पेमेंट आपने जमा करवानी होती है, और उसके एक चार्ट है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपका 5 मरला है या 10 मरला या कनाल का, तो आप कितने ओल्ड KDF लगा सकते हैं, कितने न्यू और कितनी मर्जिंग आप करवा सकते हैं। एग्जेक्टिव ब्लॉक की बात करूँ, तो एग्जेक्टिव मेम्ब्रान के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 मर्जिंग कम्प्लीट है, तो आप इसके मजीद आगे डिस्काउंट नहीं ले सकते। अब जो ये लोग बैलेटिंग करने जा रहे हैं, उसके अंदर प्लॉट नंबर के लिए काफ़ी लोगों ने जो है रबते भी किए, लोगों ने पेमेंट्स भी जमा कराई। मेम्बरान ख्वाहिशमंद है कि इनका प्लॉट नंबर आ जाए। उसकी वजह ये है कि किंगडम वैली ने इस टाइम जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर काफ़ी जोर दिया है। मैं ऊपर वीडियो भी लगा दूंगा, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट चल रही है, प्लॉटिंग का काम जारी हो गया है। किंगडम वैली इस्लामाबाद की एक खासियत मैं आपको बता दूँ कि ये जो एरिया है, ठीक है, पटोहारी एरिया है, लेकिन यहाँ पर आपको जो लैंड मिल रही है बड़ी फ्लैट लैंड मिलती है। बाकी सोसाइटीज से अगर आप इसको कंपेयर करें, तो यहाँ पर आपको पहाड़ियाँ नहीं मिलेंगी, बिल्कुल सीधी लैंड है। तो एक तो डेवलपमेंट के अंदर इनको बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है, सेकंड डिलीवरी के अंदर इनके लिए बहुत आसानी हो रही है, लेकिन पिछले साल इनकी इतनी खास डेवलपमेंट नहीं थी। 2024 की अगर बात करें, तो यहाँ पे इनकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी चल रही है, और काफ़ी हद तक इन्होंने प्लॉट की जो कटिंग्स हैं वो भी रेडी कर दी, पोजेशनेबल प्लॉट्स भी आ गए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द पोजेशन देने जा रहे हैं। अब इसकी अगर NOC की बात करें, तो फाटा से ये जो सोसाइटी है प्रॉपर अप्रूव्ड है। मजे की बात यह कि इंटरचेंज जो है, चक्री इंटरचेंज M2 मोटरवे का, उससे सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर की फासले के ऊपर है। इनका मेन गेट बन चुका है, मेन रोड्स कंप्लीट हो चुकी हैं, अभी मस्जिद के ऊपर काम स्टार्ट हो रहा है, कुछ विलास बन चुके हैं। ये सारी एमिनिटीज़ अभी ये प्रोवाइड करेंगे 2024 के अंदर। जो लोग यहाँ पे भी कब्जा लेंगे और रहना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और लोकेशन की बात करूँ, तो मेन चक्री इंटरचेंज के ऊपर लोकेट कर रहा है, और ये वाहिद सोसाइटी है जो चक्री इंटरचेंज के बिल्कुल ऊपर लोकेट कर रही है। अगर आप इस्लामाबाद से आते हैं, मेन श्रीनगर हाईवे से आते हैं और M2 मोटरवे का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे ही आप चक्री इंटरचेंज पर उतरते हैं, तो आपको किंगडम वैली सबसे करीब तर मतलब सोसाइटी मिलती है। फिर आगे आप जाते हैं चक्री रोड के ऊपर, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी, फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी, और फिर फैसल टाउन, और फिर आगे दमियाल और रावलपिंडी एरिया आपको मिलता है। तो इस तरह करके इसका एक नक्शा है। बाकी किंगडम वैली के मेम्बरान कुछ नाराज़ भी थे, हमें पता है। इस सिलसिले से हमने जो इनके चेयरमैन हैं गुलाम हुसैन शाहिद साहब, उनके साथ मीटिंग की, और काम तेज़ करने की हमने तरजीह दी कि भाई आप इसका काम तेज़ करें, आपके ऊपर लोग यकीन कर रहे हैं, आपके ऊपर लोग ट्रस्ट करके आपको पेमेंट्स दे रहे हैं, और पेमेंट्स काफ़ी ज़्यादा जमा भी हो चुकी हैं। पहली बैलेटिंग इनकी पिछले साल 2023 अगस्त को हुई थी, अब ये जो है आपकी 14 अगस्त 2024 के होने जा रही है, तो काफ़ी पेमेंट्स इनको जमा हो चुकी हैं। और उस लिहाज से अगर देखें, तो अभी डेवलपमेंट के ऊपर भी इन्होंने एक सीरियस एक्शन लिया हुआ है, क्योंकि अभी ये लोग अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं रुडा के अंडर, जो कि रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी लाहौर के अंदर ये लोग अपना लाहौर का प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, किंगडम वैली लाहौर। उसके भी पेमेंट प्लान्स हमारे पास आ चुके हैं, उसकी डिटेल्स के लिए भी आप जो है दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके इसकी हमसे मुकम्मल डिटेल्स ले सकते हैं। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें, आज इसके अंदर बुकिंग करवाएं, या किसी किस्म की भी आपने इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है, तो हैंडसम डिस्काउंट आप हासिल कर सकते हैं। और अगर आपका प्लॉट है, आप बैलेट करना चाहते हैं, तो क्राइटेरिया के लिए भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मोमिन इसहाक को देखा, अगली वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।